दोस्तों, हमने ऑटोमेटिक वोल्टेज स्टेबिलाइजर रिपेयर के लिए ऑनलाइन क्लास स्टार्ट कर दिए हैं। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस वीडियो पर। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, हमारे सामने एक ऑटोमेटिक वोल्टेज स्टेबिलाइजर रखा हुआ है जो कि वीगार्ड कंपनी का वोल्टेज स्टेबिलाइजर है और एक एसी पर इस्तेमाल होने वाला वोल्टेज स्टेबिलाइजर है। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे इसमें क्या फॉल्ट है और हम इसे रिपेयर करेंगे। चलिए सबसे पहले इसे चेक करते हैं। इसके लिए देखिए, जो इसकी मेन लीड है उसे हम इनपुट करंट देते हैं। इसे हम बोर्ड में लगा कर चेक करेंगे। सबसे पहले हम इसे सीरीज बोर्ड में लगाएंगे, यानी जो हमारा सीरीज का सॉकेट है उसमें लगाएंगे। ये देखिए, सीरीज में लगाने पर ये बल्ब हमारा पूरा जल रहा है। इसका मतलब ये हमारा स्टेबिलाइजर शॉर्ट सर्किट हो रहा है कहीं पर। अगर हम इसे डायरेक्ट लगाएंगे यानी सीरीज के बिना लगाएंगे तो लाइन हमारी शॉर्ट करेगा। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या फॉल्ट है। इसका कवर हटाते हैं, कवर हटाकर इसे चेक करते हैं। देखिए दोस्तों, ये अंदर से कुछ ऐसा दिखाई पड़ता है। ये एक 90 वोल्ट से काम करने वाला ऑटोमेटिक वोल्टेज स्टेबिलाइजर है, यानी इसकी रेंज 90 से लेकर 300 वोल्ट तक है। इसमें तीन ऑपरेटिंग रिले और एक टाइमर की रिले दे रखी है। और ये जो रिले आप इसमें लगी हुई देख रहे हैं, रिले इसकी चेंज की गई है। इसकी ओरिजिनल रिले ऐसी नहीं होती है। अब इसमें जो फॉल्ट आ रहा है, तो इसमें सबसे पहले हमारा डाउट जाता है ट्रांसफॉर्मर के ऊपर। ठीक है, ट्रांसफॉर्मर अगर शॉर्ट होगा तभी हमारी सीरीज पूरी चलेगी। और इसके अलावा एक चीज़ ये भी हो सकती है कि जैसे रिले के पॉइंट चिपक जाते हैं, यानी रिले के पॉइंट से एन सी एन ओ वगैरह आपस में शॉर्ट हो जाते हैं, तब भी ये दिक्कत आती है। लेकिन रिले इसमें चेंज की गई है, रिले नई रिले हैं, तो ये फॉल्ट नहीं होगा। ठीक है, तो अब इसमें हमें क्या चेक करना है, देखिए आपको ज़्यादा इसमें कन्फ्यूज नहीं होना है। आपको सबसे पहले इसमें चेक करना है इसके जो प्लेट राउंड है, यानी जो सप्लाई के वायर हैं वो चेक करने हैं। सप्लाई के वायर जहाँ पर सर्किट में जाते हैं वहाँ पर एक डायोड का ब्रिज बना होता है। ज़्यादातर सर्किट में ये टेक्निक होती है, अगर डायोड वगैरह शॉर्ट हो जाते हैं हाई वोल्टेज की वजह से तो ये फॉल्ट आता है। तो हम इसका सर्किट खोल के देखेंगे, देखेंगे कि हमारे डायोड तो शॉर्ट नहीं है। तो चलिए इसका सर्किट हम बाहर निकालते हैं। ये देखिए दोस्तों, इसका सर्किट हमने बाहर निकाल लिया है और जो फॉल्ट मैं आपको बता रहा था वही फॉल्ट इसमें है। ये देखिए, डायोड इसके शॉर्ट है। ये देखिए, ब्रिज बना रहता है और ये डायोड इसके शॉर्ट है, फटे हुए हैं, जिसकी वजह से ये दिक्कत आ रही है क्योंकि डायोड शॉर्ट हो गए आपस में। अब इसमें ऐसा होता है कि जो प्लेटाउन सप्लाई है अभी आपस में मिल गई है एक तरीके से। अगर हम प्लेट आउट सप्लाई आपस में मिला देंगे तब भी ट्रांसफार्मर हमारा शॉर्ट होगा और हमारा स्टेबिलाइजर फुल सीरीज बताएगा। अगर हम मेन लाइन से इसे डायरेक्ट कनेक्ट करेंगे लाइन में, शॉर्ट सर्किट होने का चांस रहेगा। अब सबसे पहले हम ये डायोड चेंज कर देंगे। इसमें देखिए, दो डायोड हमें साफ मालूम पड़ रहा है और दो डायोड हमारे फटे हुए, लेकिन हम चारों डायोड चेंज कर देंगे। ठीक है, पूरा ब्रिज चेंज कर देंगे, चार डायोड का ब्रिज है ये हम पूरा चेंज कर देंगे। उसके बाद हम इसे चेक करते हैं। देखिए दोस्तों, हमने इसमें से जितने भी डायोड खराब थे सब निकाल लिए हैं और यहाँ पर हम अब दूसरे डायोड लगा देते हैं। डायोड जो इसमें लगेगा उसका नंबर है 4007, यानी 4007। ठीक है, तो यहाँ पर हम चार डायोड लगा देते हैं, नेगेटिव पॉजिटिव देखकर लगाएंगे। Thank you.
ये देखिए दोस्तों, हमने डायोड चेंज कर लिए हैं और जो सोल्डिंग हमने हटाई थी वो सारी सोल्डिंग कर लिए, सारे कनेक्शंस कर लिए हैं। अब इसमें जैक वगैरह जो हम निकाल रखे हैं वो लगाकर इसे एक बार चेक करते हैं। चलिए दोस्तों, इसे एक बार फिर से सीरीज में कनेक्ट करते हैं और चेक करते हैं कि हमारा स्टेबलाइजर कैसा वर्क कर रहा है, फॉल्ट रिमूव हुआ या नहीं हुआ। ओहो, ये देखिए फिर से फुल सीरीज बता रहा है, ये फुल सीरीज बता रहा है, इसका मतलब अभी भी इसमें दिक्कत है। और दिक्कत क्या है वो आपको बताते हैं। अब हमें इसका मेन ट्रांसफार्मर चेक करना पड़ेगा, ट्रांसफार्मर निकाल कर हम चेक करते हैं, ठीक है, क्योंकि ये सब कुछ इसका ओके हो चुका है और जो फॉल्ट आया होगा अब मेन ट्रांसफार्मर में आया होगा। हम इसे निकाल लेते हैं और ट्रांसफार्मर खोलकर उसे चेक करते हैं, सीरीज में चेक करेंगे। चेक करने का सबसे बेहतर तरीका यह है कि ट्रांसफार्मर के सारे कनेक्शन हम निकाल लेंगे, सर्किट से इसके प्लेट आउट सप्लाई भी डिस्कनेक्ट कर देंगे, इसके बाद हम इसे चेक करेंगे और सीरीज में ही चेक करेंगे। चलिए अब मेन ट्रांसफार्मर को खोलते हैं, इसके कनेक्शंस खोल के चेक करते हैं। ये देखिए दोस्तों, हमने मेन ट्रांसफार्मर के सारे वायर डिस्कनेक्ट कर लिए हैं। अब हम एक लीड लेंगे, उसमें एक वायर हम इसके न्यूट्रल पर कनेक्ट कर देंगे, ठीक है, और एक वायर हम जो दूसरा सिरा है लीड का, इसे हम अभी ऐसे ही छोड़ देंगे और इस लीड को हम सीज बोर्ड में लगा देंगे। सीज बोर्ड में लगाने के बाद एक एक करके हम ट्रांसफार्मर के सारी टेपिंग्स पर लगा के देखेंगे। अगर ट्रांसफार्मर शॉर्ट होगा तो सब में पूरी सीरीज बताएगा, अगर ट्रांसफार्मर शॉर्ट नहीं होगा तो सब में सीरीज अलग अलग बताएगा, यानी किसी में बल्ब हमारा तेज जलेगा, किसी में हमारा बल्ब हल्का जलेगा, यानी सीरीज बराबर नहीं होगी, ठीक है। शॉर्ट ट्रांसफार्मर की पहचान यही है कि वो सब में एक जैसी सीरीज बताता है। ये देखिए, ये यहाँ पर करंट आ गया हमारा। ये दोस्तों लगभग सभी टेपिंग्स में एक जैसी सीरीज बता रहा है, बल्ब एक जैसा जल रहा है, इसका मतलब ट्रांसफार्मर हमारा ये शॉर्ट हो चुका है। और ट्रांसफार्मर शॉर्ट कैसे हुआ है उसकी वजह भी आपको बता देते हैं। ये देखिए, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था वीडियो में कि ये डायोड शॉर्ट हुए, डायोड शॉर्ट होने के बाद इसमें जो प्लेट आउट सप्लाई हमारी वो शॉर्ट हो गई। प्लेट आउट सप्लाई शॉर्ट होने की वजह से हमारा मेन ट्रांसफार्मर शॉर्ट हो गया। अगर स्टार्टिंग में ही कस्टमर इस चीज़ का ध्यान दे लेता या कस्टमर को इतनी जानकारी होती कि शॉर्ट सर्किट होने बार बार स्टेबलाइजर को ऑन नहीं किया जाता तो फिर ये दिक्कत नहीं आती। और स्टेबलाइजर में जो दिक्कत आई है, ये डायोड जो शॉर्ट हुए हैं ये हाई वोल्टेज की वजह से शॉर्ट हो जाते हैं, इसमें हाई वोल्टेज जाते हैं तो डायोड हमारे शॉर्ट हो जाते हैं, इसकी वजह से ये इतना बड़ा फॉल्ट आता है। दोस्तों उम्मीद है आपको सब अच्छे से समझ में आ गया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।